काफी असफल कोशिशों के बाद एक आदमी गुरुजी के पास पहुंचा। उस आदमी की ये परेशानी थी कि चाह कर भी वो किसी में अच्छाई नहीं देख पाता और हर समय छोटी सी छोटी बात पर दूसरों की गलतियां ढूंढकर उन्हें ताने मारते रहता। अपने इसी रवैये से परेशान होकर उन्होंने एक निर्देश लेने का निर्णय लिया। तो पहुंचे वो गुरुजी के पास और बताई उन्हें अपनी परेशानी। गुरुजी ने कहा, आप दूसरों की गलतियां ढूंढने में इतना व्यस्त हो जाते हैं जिसके कारण आप उनकी अच्छाइयों को नकार देते हैं और उनकी छोटी सी छोटी बातों पर गुस्सा होकर उनसे ढेर सारी शिकायतें रखते और उन्हें ताना देते हैं। आपको चाहिए कि आप दूसरों की कमियों पर ध्यान ना देकर उनके गुणों पर ध्यान दें और उनके जीवन का अपने जीवन में महत्व ढूंढ और समझकर प्रभु परमेश्वर से उनके लिए धन्यवाद दें। याद रखें कि कृतज्ञता और अकृतज्ञता एक ही मनुष्य के अंदर नहीं रह सकती। सोच समझकर चुनाव करें और धीरे धीरे उसका प्रयोग अपनी जिंदगी पर कर उसे अपनी जीवन शैली बनाएं। क्या आप भी उनमें से हैं जो दूसरों में उनके गुणों से ज्यादा खामियां ढूंढते हैं? अगर हाँ, तो याद रखें कि जो दूसरों में केवल गलतियां ढूंढे वो कभी जीवन में संतृप्ति का अनुभव नहीं कर सकता। इस प्रकार ना वो खुद खुश रह सकता है ना दूसरों को खुश रख सकता है। कोशिश करें कि आप हर किसी के दिल का सुकून बने ना उनकी चिंता का कारण। कोशिश करें कि हर हालत में कृतज्ञ बने और प्रभु परमेश्वर का गुणगान अपने जीवन से करें।